और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मथुरा में कैसे किसका शासन रहा है, श्री कृष्ण की नगरी है। मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह हाईकोर्ट में विचाराधीन होने को लेकर वार्ता करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, देखिए कृष्णा गुप्ता के साथ। जी, मथुरा में यहाँ पर कंस का राज था। कंस की जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वह कंस की जेल, कंस की सातवीं कोठरी यहाँ मथुरा में भगवान श्री के जन्मभूमि मंदिर पास थी। उस जेल को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र ने भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाया। वो इतना विशाल मंदिर था कि वो आगरा से उसकी गुम्बद दिखती थी। 1017 में महमूद गजनवी नाम का मुगल शासक आया, उसने इस विशाल मंदिर को तोड़वा दिया। तोड़वाने के बाद हिंदुओं का राज आया, हिंदुओं ने फिर पूरे मंदिर को बनवाया। 1250 में फिरोज तुगलक का शासनकाल हुआ, उस शासनकाल में भी मंदिर को तोड़ा गया। मुगल शासक के बाद में फिर हिंदुओं का राज आया, हिंदुओं ने मंदिर को पुनः बनवाया। उसके बाद 1450 में सिकंदर लोदी का शासन आया, सिकंदर लोदी के शासनकाल में जितने भी मंदिर थे सब मंदिरों को तोड़ दिया गया और हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ। उसके बाद में हिंदुओं ने पुनः मंदिर बनवाया। मुगल शासक मंदिर तोड़ते गए और हिंदू मंदिर बनाते गए। लास्ट में औरंगजेब आया 1670 में, उसने भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़कर एक बिल्डिंग बना दी। उस बिल्डिंग को आज कथित ईदगाह कहते हैं। इस ईदगाह के नीचे हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के प्राचीन साक्ष मौजूद हैं। इस मंदिर में जो मूर्तियां निकली थीं वो अष्टधातु की मूर्तियां थीं। उन मूर्तियों में से हीरे जवाहरात अष्टधातु को ले लिया गया। उसके बाद जो अवशेष बचे उन अवशेषों को इसी बिल्डिंग के नीचे दबा दिया गया। ये अवशेष आज भी इस बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं। ज्ञान व्यापी में पुरातत्व विभाग का ईएसआई सर्वे का आदेश हो चुका है। आज वहाँ पर सर्वे हो रही है और वहाँ पर जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो न्यायालय में जमा होंगे। उसके बाद न्यायालय अपना फैसला सुनाएगी। उसी प्रकार हम भी मांग करते हैं कि मथुरा में भी ईदगाह में ईएसआई सर्वे होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान व्यापी से ज़्यादा साक्ष मथुरा ईदगाह के नीचे दबे हुए हैं। यहाँ बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर जो भी इसमें सामान था मंदिर का, मूर्तियों के अवशेष थे, प्राचीन शिलालेख थे, वो सभी ईदगाह के नीचे दबे हुए हैं। इसलिए मथुरा में ईएसआई सर्वे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राचीन साक्ष जब सामने आ जाएंगे तो न्यायालय को अपना फैसला सुनाने में मदद मिलेगी। हमारे यहाँ मुगल शासकों ने अपनी तलवार के दम पर हिंदुओं के मठ मंदिर को तोड़ा था, कब्जा किया था। हम लोग भी कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से अपने मंदिरों से इस ईदगाह को, मस्जिद को जरूर हटा के रहेंगे। ये हमें न्यायालय में विश्वास है, हिंदुओं की जीत अवश्य होगी, क्योंकि अब जब सर्वे होगी तो साक्ष्य जरूर मिलेंगे, उसी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय अपना फैसला सुनाएगी। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।